वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, हैदर टेक्निकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारे पास एक मिस्त्री के यहाँ से इन्वेटर आया है, कस्टमर लेके आया है, और इसमें जो फॉल्ट है लो बैटरी का है। आप देख सकते हो मैंने बैटरी इसमें ये कनेक्ट कर दी दोनों, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको पता चले कि इसके अंदर ऐसा फॉल्ट क्या है जो दुकानदार से भी ठीक नहीं हुआ, या तो वो पूरे तरह से मिस्त्री नहीं होगा या फिर वो कुछ और ही मैटर होगा। मैं नहीं जानता हूँ, प्रवाला जानता है क्या मैटर हो क्या नहीं, पर मेरे पास जो कस्टमर लेके आया उसने बताया कि मैंने इसको दो तीन मिस्त्री के पास दिखाया। अब पता नहीं उसने दिखाया या उसने कुछ कलाकारी करी, मेरे को नहीं पता, पर इसके अंदर जो फॉल्ट है लो बैटरी का है। देखिए अभी मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और ये देखिए एकदम बैटरी लो शो कर देता है, और बैटरी अभी बिल्कुल ठीक है। मैं इसके आपको एम्पियर भी चेक करवा देता हूँ, बैटरी के अंदर कितने एम्पियर हैं। देखिए ये मैं 20 पर रख देता हूँ, देखिए 12 वोल्ट 4.4 पॉइंट, और मैं जैसे ऑन करता हूँ लो और 12 वोल्ट 3.4 पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि इसमें बैटरी लो की प्रॉब्लम है। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों उसने क्या क्या छेड़खानी करी है। फ़िलहाल तो मैं किट को ऐसे ही चेक करता हूँ कि उसने क्या कुछ छेड़खानी करी है। ये देखिए दो तीन मैंने चीज़ें देखी हैं इसमें, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए पी एफ इसने छेड़ा है, जीनर इन्होंने हटा दिया, दूसरा जीनर लगाया, और मैं और देखता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये P55 ICB चेंज करी है क्योंकि इसमें लग रहा है, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो जिस तरह की हमने सेटिंग करी है, P55 ICB चेंज करी है इसने, ठीक है। चलो बहरहाल है, मैं नहीं पता उसने क्या क्या किया, जो था मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, चलो P55 के भी आता है फॉल्ट इसके अंदर, बैटरी लो का भी आ जाता है, कोई बात नहीं चेंज करके देख लिया, ये भी टूटा क्या करा उन्हें ये भी चेंज करके दे ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे हुआ नहीं। तो कस्टमर मेरे पास लेके आया, तो चलो हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर फॉल्ट क्या है। और आप वो प्रीसेट बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने देखा ना ये ब्लू कलर का प्रीसेट है, देखिए ये वाला, इसको जल्दी से नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ओवरलोड की, बैटरी ओवरकट की और चार्जिंग की सारी कुछ सेटिंग इसी से होती है। तो चलते हैं, फ़िलहाल हम इसी की सेटिंग करेंगे क्योंकि इसे छेड़ा गया है तो जिसकी वजह से सेटिंग गलत हो गई है। तो कभी भी आप किसी बड़े पेचकस से नहीं छेड़ना इसको, अगर छेड़ना है तो आपने ये इस तरह का ले लेना, पिन पेचकस बोलते हैं इसको और भी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो चलते हैं, फ़िलहाल हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं, इन्वर्टर हम ऑन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ये बीप की आवाज़ आ रही बैटरी लो की, और चलते हैं फ़िलहाल हम इसको छेड़िंग करेंगे राइट हैंड की तरफ, यानी कि राइट हैंड पर हम इसको घुमाएंगे। ध्यान से ये यहाँ पे था, उसी कट के हिसाब से आपने घुमाना है। एक, दो, तीन, चार, ज़्यादा देने इसको घुमाना, सिर्फ चार राउंड देने हैं इसको। देखिए ये हमारी बीप की आवाज़ बंद हो गई, बैटरी लो की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यानी कि इसके जो राउंड हैं सिर्फ चार राउंड घुमाने हैं। उसी हिसाब से मैं आपको दोबारा बैक करके भी दिखाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ये तीन पे ही आ गया था बीप, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा कराया इसको, ठीक है। तो देखिए बैटरी लो की प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से दिखा रहा हूँ कि आपको राउंड में दिक्कत ना हो। अब दोबारा मैं
तीन पे वैसे तो ये बैटरी लोड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन एक राउंड में एक्स्ट्रा लूँगा, तो चलते हैं एक राउंड और एक्स्ट्रा लेते हैं। एक ठीक से लेयर लगा के, एक दो तीन बंद होगी बीप की आवाज़, एक राउंड और लेंगे, चार, ठीक है। हमने चार राउंड पे इसको कट कर दिया, तीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक राउंड एक्स्ट्रा लगाने से क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी बैटरी और लो और डाउन होगी तो एकदम उससे पहले ही बीप की आवाज़ करके लो कर देगा। देखिए ठीक है दोस्तों, अब कभी भी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, कभी भी आपके पास इन्वर्टर है तो इसे ब्लू कलर के प्रीसेट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये अगर कभी छेड़ दे तो इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही तो एक बार इसको आप राउंड करके देख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कब आएगी जब कोई दूसरी पार्टी इसको छेड़ेगी। अगर ये पहले से सेट है तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आती, जो प्रॉब्लम आती मैंने आपको बताई आईसी की, लॉन्ग आईसी है, प्रोग्राम आईसी होती है, इसकी प्रॉब्लम भी आती है, P55 की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और बाकी जो जीनर वगैरह लगे हुए हैं इनकी भी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तो चेक करना पड़ता है पूरा सर्किट, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि एकदम डायरेक्ट इसको नहीं छेड़ना, ब्लू कलर का जो प्रीसेट होता है इसको बिल्कुल एकदम नहीं छेड़ा, अगर छेड़ोगे तो ये प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। हाँ, अगर बीप की आवाज़ आ रही है इस तरह की तो फिर आप इसको एक बार राइट हैंड पर छेड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको सेट करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।